हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे चावल के आटे की डोसा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चावल के आटे का कुरकुरा और टेस्टी डोसा बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1.5 कप चावल का आटा। इस डोसा को और ज़्यादा कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे 2 चम्मच सूजी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएगी, फिर फेंटने में हमें थोड़ी सी परेशानी आएगी। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें। यहाँ पे हमने चावल के आटा में इस कप से 2 कप पानी डालकर अच्छी तरीके से घोल लिए हैं, जो कि लगभग 2 गिलास के बराबर होगा। यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको डोसा पतला बनाना हो तो घोल थोड़ा पतला ही बनाएं, अगर आपको डोसा थोड़ा मोटा बनाना हो तो घोल को थोड़ा सा मोटा ही रखें। यहाँ पे मैंने इस बैटर को बिल्कुल छाछ की तरह पतला बनाया है, क्योंकि मुझे पतला डोसा बनाना है। अब हम इसमें कुछ और सामग्री ऐड करेंगे। 1 बारीक कटी हुई प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं। 1 इस तरह से कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब अजवाइन डालेंगे। मैं यहाँ अजवाइन डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं, या जो कोई भी सब्जियाँ आपको पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ प्याज डालकर भी इस डोसा को बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे। इसमें ना ही सोडा का यूज करेंगे और ना ही इनो का यूज करेंगे। ये बहुत ही अच्छा डोसा ऐसे ही बनकर तैयार होगा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे हमने अच्छी तरीके से घोल लिए हैं। अब इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। अब डोसा के साथ खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे 1/2 कटोरी भुनी हुई मूंगफली, जिसके हमने छिलके उतार लिए हैं, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम नारियल, कसा हुआ नारियल है, सूखे वाले नारियल जो आते हैं, गरी गोला जिसे बोलते हैं, उसे ही मैंने क्रश करके ले लिए हैं। आप चाहें तो सिर्फ मूंगफली के भी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 4 से 5 कलियां लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच दही डालेंगे, अगर आप दही नहीं खाते हो तो यहाँ पे 1 चम्मच नींबू का जूस भी डालकर इस चटनी को बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसे पीस लेंगे। मैंने चटनी को पीस ली है। अब इसमें छौंक लगा लेते हैं। छौंक लगाने के लिए 1 तड़का पैन में 1 चम्मच ऑयल डालकर इसे अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। इसमें 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स डालेंगे, गैस को ऑफ कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे 5-6 करी पत्ते डाल लेंगे और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इस छौंक को चटनी के ऊपर डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा डोसा के साथ खाने के लिए चटनी तैयार हो चुका है। बैटर को फूलते हुए भी 10 मिनट हो चुका है। अब इसका डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक तवा को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। तवा गरम हो चुका है, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। अब एक कलछी बैटर लेंगे और इस तरह से गोल घुमाते हुए बैटर को तवे पे डालेंगे। आपको डोसा जितना बड़ा बनाना हो बैटर को उतना ज्यादा फैला सकते हैं। डोसा जब ऊपर से हल्का हल्का ड्राई हो जाए तब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल इस तरीके से लगा लेंगे। डोसा हमारा एक साइड से सिक चुका है, देख सकते हैं किनारों को खुद ही छोड़ चुकी है। तो अब इसे दूसरी साइड सेक लेते हैं। ये डोसा हमारा दूसरी साइड भी क्रिस्पी होने तक सिक चुका है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी डोसा हमारा सिक चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम और भी डोसे को बना लेंगे। ऑयल लगा लेंगे तवे के ऊपर और फिर से बैटर को इस तरीके से फैला लेंगे। डोसा को जितना बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा बैटर फैला सकते हैं।
डोसा हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैंने चटनी के साथ सर्व कर लिए हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी को बहुत ही पसंद आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।